कम से कम ये हमें बनाने में 7-8 घंटे लगते हैं इसको जी। और तवाइफों की गोदी में हम खेले हुए हैं। और ये हांडी कितने की पड़ती है? क्या ये हांडी एक केजी की पड़ती है 500 रुपए की। केसर वाली लेंगे वो 650 रुपए की एक केजी की पड़ेगी। और ये साथ हमारे प्यारे से स्माइलिंग से हमारे दद्दू। सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका अकबर अहमद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो पिछले वाली जो वीडियो थी बाबा ट्री स्टॉल, जिसमें आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, ऐसे ही इस वीडियो को प्यार दिखाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत स्पेशल ब्लॉग लेके आ रहा हूं। मैं लेके आ रहा हूं लखनऊ का बेहतरीन हिस्टोरिकल मक्खन। मन किया ना खाने का? अरे सेहत बनानी है, अपने आप को तरोताज़ा रखना है तो मक्खन खाना है। तो हम इस वक्त है गोल दरवाजे के पास में चौक में। तो वैसे तो आपको पूरे लखनऊ में मक्खन मिल जाएगा, लेकिन चौक का जो मक्खन है वो थोड़ा सा स्पेशल है, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे जो लोग मक्खन लगाते हैं उनके मतलब किसी की तीसरी पीढ़ी है, किसी की चौथी पीढ़ी है, मतलब बहुत लंबे अरसे से लगाते आ रहे हैं। तो आइए हम आपको मक्खन भी दिखाएंगे यहाँ, वो कैसे बनाते हैं वो भी पूछने की कोशिश करेंगे, और हम पब्लिक रिव्यू भी लेंगे कि आखिर मक्खन यहाँ का क्यों इतना फेमस है। तो आइए, और हमारे साथ में हमारे फैसल भाई जो कि कैमरा हैंडल कर रहे हैं, और पिछले व्लॉग में उन्होंने बहुत अच्छा कैमरा हैंडल किया। तो आइए अभी फैसल से भी मिलवाते हैं और आपको मक्खन दिखाते हैं। उनसे पूछते हैं वो कितने सालों से मक्खन बेच रहे हैं, क्या कस्टमर रिव्यू है और कैसा है। तो आज ही धीरे से उनसे पूछते हैं, उनका नाम भी पूछते हैं क्या है। अब हम आ गए हैं भाई के स्टॉल पे। भाई अमित, भाई अमित कश्यप, भाई का नाम है अमित कश्यप। और भाई आप कितने सालों से मक्खन बेच रहे हैं? भाई 60-70 साल पुरानी दुकान है ये। भाई हम तो अभी 8-10 साल से खड़े हो रहे हैं, जो पहले पापा बेचते थे हम खड़े हो रहे हैं। ये 70-60 पुरानी है दुकान। दुकान 70-60 साल पुरानी है, लेकिन भाई नए हैं। लेकिन ये भाई आप कौन सी पीढ़ी? अगर हम दादा थे तो आप तीसरी पीढ़ी हुए जी। तीसरी पीढ़ी हुई है। तीसरी पीढ़ी से ये दुकान जो, ये मेरा माइक जो है ना थोड़ा बड़ा यार, सब्सक्राइब करो ताकि मैं वायरलेस ले लूं। तो ये आपकी 60-70 साल पुरानी शॉप है और ये इनकी तीसरी पीढ़ी है। अमित भाई जो कि मक्खन बेच रहे हैं। मैं इतना ज्यादा गुल मिल गया हूँ उनमें कि मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो अच्छा, ये इसमें ये बताइए कि जो मक्खन है ये सबको पता है? थैंक यू सो मच। ये सबको पता है कि बड़ा हिस्टोरिकल मक्खन है, यहाँ पे लखनऊ का मक्खन फेमस है। तो आप अपने मक्खन में ऐसी क्या खास चीज डालते हैं कि लोगों को इतना पसंद आता है? भाई मेहनत करते हैं, मेहनत ही का फल इसमें होता है ज्यादातर। भाई जो कि दूध क्रीम हर आदमी लेता है, जो इलायची केवड़ा रंग सब हर आदमी डालता है, फिर मेहनत ही का ये फल है बस। तो अगर आपको ये, जैसे आपका ये तकरीबन 10 किलो होगा, कितना होगा ये? ये 20 किलो मक्खन है। तो इसको बनाने में आपको ओवरऑल कितना टाइम लगता है स्टार्ट टू एंड? कम से कम ये हमें बनाने में 7-8 घंटे लगते हैं इसको। रात के 2:30-3 बजे उठते हैं, 5-6 बजे से 6 बजे तक घर ही में रहते हैं, बनाते हैं इसको। 6:30 बजे यहाँ आते हैं, तब इसको बेचते हैं। रात के 8-9 बजे तक बेचते इसको। यानी के मक्खन जो हम लोग 5 मिनट में 5 मिनट भी 2 मिनट में खा के खत्म कर देते हैं, भाई को वो चीज बनाने में 7-8 घंटे लगती है। और सही चीज किसी ने सही कहा कि अगर मेहनत करो उसका फल मीठा ही होता है। तो भाई मेहनत करते इसलिए इतना मीठा मक्खन होता है। और पब्लिक करीब कैसे, आप मतलब कितने विजिटर आपके यहाँ आते हैं? बाहर से कितने लोग आते हैं, लखनऊ से कितने लोग आते हैं? भाई लखनऊ के तो कम ही लोग होते हैं, अभी तक तो बाहर ही यूपी के गोमती नगर के हैं, जैसे दूर दूर के आते हैं, मगर यहाँ के तो कम ही लोग खाते हैं, बाहर के ज्यादा बने हुए कश्मीरी। ये हमारा हुआ। सो थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे किसी दूसरे स्टॉल में, पब्लिक रिव्यू भी अभी बाकी है। थैंक यू सो मच भाई।
और अभी हम लोग भी मक्खन टेस्ट करेंगे, लेकिन हमने कहा पहले आपके लिए हम वीडियो कंप्लीट कर लें, फिर एंड में हम रिव्यू देंगे कि आखिर हमें कैसा लगा। तो हमारे भाई साहब भी खड़े हुए हैं यार। ये भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनु कश्यप है। अनु कश्यप ने सुबह नाश्ता नहीं किया, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। अरे आप बताइए, बोलो बोलो। तो जैसा अभी मैंने आपने बगल में सुना, तो इसको प्रॉपर आप कब से कब तक स्टार्ट करते हो? ये शॉप आपकी कितनी पुरानी है? ये अक्टूबर से शुरू होती है और ये मार्च तक चलती है। मार्च पहले, यानी कि अगर किसी को मक्खन का स्वाद लेना है तो वो अक्टूबर से मार्च के बीच में आए तो उसे मिलेगा, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मक्खन का मेन जो है टेस्ट ये सुबह की खाने की है, और ये इसका मेन जो है सेल इसकी होती है जनवरी में, जिस दिन कोहरा पड़ रहा है, जितना ठंड होगी कोहरा गिरेगा उतना इसमें टेस्ट आएगा। यानी कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा, जैसे शादियां सर्दियों में करते हैं, अगर आपको मक्खन खाना है तो जनवरी में आएंगे तो उसका बेहतरीन और भरपूर आपको स्वाद मिलेगा। तो ये मतलब कितने साल पुरानी शॉप है आपकी? भाई हो गए एकदम 40 साल से लगाए ना। तो आप ही लगा रहे थे? पहले बैठते थे हम, बैठ रहे मतलब 15-20 साल से हम लोग बैठ रहे। 20 साल से, यानी कि सेकंड पीढ़ी है ये शॉप बहुत पुरानी। इसका कुछ नाम है या बस लाइक? अनूप नाम है हमारा, अनूप मक्खन। हाँ भाई, अनूप कश्यप के नाम से चलते। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हमारी ऑडियंस को। आइए अब, सो अब आते हैं हम भाई के पास और भाई से पूछते हैं। भाई थोड़ा सा बिजी है, भाई के पास हमें कस्टमर भी मिल गए हैं, तो अगर भाई हमसे हम थोड़े से कस्टमर रिव्यू भी ले लेंगे कि आखिर भाई को इतना क्यों पसंद आता है। तो आ जाइए। हेलो अंकल। भैया मेरा नाम है अकबर, आपका? प्रणव। प्रणव, और प्रणव भाई के साथ में बहुत प्यारा सा बच्चा है, तो कैमरे में बच्चे का प्यारा देखा, बहुत क्यूट है। दिखाइए कैमरे में, दिखाइए बच्चे को। नाम क्या है बेटा आपका? अभी सुबह सुबह उठ के आया है, स्माइल कर रहा है। नींद देखो, बच्चों की नींद जब टूटती है ना तो उनका मूड एकदम बिल्कुल खराब होता है। तो भाई हम छोटा सा ये देखो, भाई ने पैकिंग भी कराई है, पैकिंग भी दिखा दीजिए। तो हम छोटा सा एक रिव्यू लेंगे मक्खन का। भाई आपको सुबह सुबह आप अपनी प्यारी सी नींद को तोड़ के आए हैं, तो आपको मक्खन कितना पसंद है और कब से खा रहे हैं? तो बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए? आलमबाग से आए भाई। आलमबाग से आए, वाह वाह क्या बात है। तो क्या आप मतलब ऐसी क्या खास बात लगती है कि आप इतना दूर? यहीं पे मिलता है, स्पेशल होता है यहाँ का, इसलिए यहीं आए लेने के लिए। बाकी तो समझे, यानी कि पूरे लखनऊ में मक्खन मिल जाएगा, लेकिन जो खास मक्खन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ चौक में मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल भैया, ये थैंक यू सो मच। तो अब हम आते हैं अपने शॉप वाले के पास में, जो बेहतरीन इन्होंने सजा के रखा है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो आइए पूछते हैं भाई का नाम और भाई से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आ जाइए भाई, आपका नाम क्या है? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा, माशाल्लाह से। भाई आप ये कब से लगा रहे हैं मक्खन? ये हमारी तीसरी पीढ़ी लग रही है। तीसरी पीढ़ी, कितने पुरानी शॉप है? कम से कम 150 साल पुरानी है। कितने? बाबा लोग बेच चुके हैं, उसके बाद चाचा बेच रहे हैं, उसके बाद हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग पोते हैं उनके। तीसरी, ये तीसरी पीढ़ी है और उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी सबसे पुरानी पीढ़ी है ये। यानी कि चौराहे की, यानी कि आपको मैंने अभी कहा जैसा कि लखनऊ में मक्खन तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का जो चौक, इसलिए हम ब्लॉग भी चौक का ही बनाने आए, मेरे घर के बगल में भी है लेकिन मैंने वहाँ नहीं बनाया यहाँ का, क्योंकि ये बहुत खास मक्खन है। और भाई आप कितने बजे से कितने बजे तक प्रॉपर लगाते हैं? प्रॉपर हमारी सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक दुकान मिलती है, हमारी ये टाइमिंग है हमेशा। और फिर आप बनाते कब हैं, कैसे क्या करते हैं? ये रात में 2 बजे उठ के मेरी माताजी बनाती हैं। वाह क्या बात है, सोच लीजिए कि मक्खन हम लोग एक सेकंड में कट कट खा लिया, लेकिन कितनी मेहनत लगती है और तभी इतना प्यारा मक्खन होता है। सो थैंक यू सो मच भाई, अगर आप चौक आ रहे हैं, अगर आपको मक्खन खाना हो, ये बाहर भी बहुत जाता है। कहाँ की भी टाइमिंग बता दें। वैसे ये डब्बा होता हमारा तो ये 5-6 घंटे के लिए, लोकेशन के लिए है, मतलब 6 घंटे आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं कंटिन्यू। और ये हमारी मिट्टी की हांडी, मिट्टी की हांडी दिखाइए भाई। ये जो हमारी मिट्टी की हांडी होती है, हाँ, इसमें 24 घंटे आपका मक्खन ऐसे ही रहेगा। वैसे अगर किसी ने शिल्पा शेट्टी की हांडी देखी हो तो मैं आपको याद दिला दूं, वो यही हांडी है। अगर नहीं याद, मैं मुझे कोई क्लिप मिलेगी तो मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें आपको 24 घंटे आपका कंटिन्यू ऐसा रहेगा, यहाँ से दिल्ली तक के आप ले जा सकते हो, 24 घंटे मेरा ही रहेगा वो। 24 घंटे के बाद आप इसको खा सकते हैं। खा सकते हैं। सो और ये हांडी कितने की पड़ती है? क्या ये हांडी एक केजी की पड़ती है 500 रुपए की। केसर वाली लेंगे वो 650 रुपए की 1 केजी की पड़ेगी। और ये वाली, ये डब्बा पड़ेगा आपको जो है 500 रुपए का 1 किलो। एक किलो यानी के मक्खन 500 रुपए किलो है। अगर केसर वाला लेते हैं, थोड़ा आपको और अपने अपने आप को तरीन ताजा करना है तो 100 रुपए ज्यादा लगेंगे, है ना? तो थैंक यू, आप पैसा लेते हैं, कीमत से ऊपर का पैसा नहीं लेते हैं। बिल्कुल, वैसे मेहनत बहुत है और मैं तो अब यहीं पे हूँ तो ज्यादा नहीं होता है खाना, या क्योंकि आना नहीं होता है मुझे, यहाँ का मक्खन बड़ा पसंद है। तो थैंक यू सो मच भाई, और हमारा चैनल है अकबर अहमद यूट्यूब पे, जरूर आप सर्च करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा अपना वीडियो।
आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी दे देता हूँ। ये व्लॉग आएगा हमारा कल शाम में 6 बजे। हमारे साथ हमारे प्यारे से स्माइलिंग से हमारे दद्दू हैं। दद्दू की कैप मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो दद्दू आपका नाम क्या है? लालजी मल्होत्रा। लालजी मल्होत्रा मतलब आप ठाट बाट। तो आप क्या लेने आए? दूध लेने आए? दूध लेने आए, मक्खन खाने आए हैं। अगर मैं आपको सही कहूं तो ये हमारे पक्के वाले पब्लिक रिव्यू, क्योंकि ये ठाट बाट वाले हैं लालजी साहब। तो ये कब से आप खा रहे हैं मक्खन? मक्खन हम 60 साल से खा रहे हैं। 60 साल से हाँ। भाई कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं अंग्रेजों के जमाने नहीं, अंग्रेजों के जमाने से कैसे बिक रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बढ़िया दिख रहा हूँ। नहीं नहीं, 60 साल पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। अरे साहब, मैं अंग्रेज था बचपन में, बिल्कुल गोरे थे। आप ऐसा ही बोलेंगे कि जिसको आदमी को एक्साइटेड करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने एक साइन रखा है कि 1997 क्या अंग्रेजों के घर में दुकान थी क्या? नहीं, अंग्रेजों के घर में दुकान नहीं 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 नहीं, अंग्रेज लोगों को ये पसंद ही नहीं है। तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि मैं हूँ अंग्रेज? 200 साल, 300 साल, क्या है ये सब लॉजिक? तो वैसे दद्दू बताइए, आपको मक्खन में खास बात क्या लगती है? मक्खन चौक का बहुत मशहूर मक्खन है। और उसमें खास बात क्या है? मशहूर तो है कुछ ऐसी चीज, इसमें जो मेवाएं पड़ती हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी कहीं। इसमें जो है नवाबों का प्यार है। नवाबों का प्यार खत्म हो गया। बहुत प्यार है नवाबों का। नवाबों का प्यार खत्म हो गया। तो चलिए, नवाबों का इनका कहना है नवाबों का प्यार खत्म हो गया है। दद्दू इनका कहना है नवाबों का प्यार है। तो ये आप डिसाइड करिए कमेंट करके, क्या कि नवाबों का प्यार अभी है या नहीं है। बस ये कमेंट बहुत जरूरी है। तो कमेंट करना ना भूले, और हम फिर देखते हैं किसी। ये आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जैसा चौक में मशहूर मक्खन है, कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच दद्दू जी। क्या बता दिया? ये किसे कहते हैं गर्म जोशी से शेख हैं। देखिए, हम लोग चौक के पुराने चौक के लखनऊ के रहने वाले, फूल वाली गली में, और हमने वो दौर देखा हुआ कि जिस वक्त तवायफे भी हुआ करती थी जी, और तवायफों की गोदी में हम खेले हुए हैं। समझे? तो हमारे दादा ने उनको मना किया, तो वो बुजुर्ग बोली, क्या हमारी औलादे नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं है? पेशा हमारा वो जरूर है, लेकिन हम बच्चों को खिलाएंगे। तो सवेरे हम खेलते थे उनकी गोदी में, और शाम को हम नहलाए जाते थे। और यहाँ पे जो सबसे पुरानी तवायफ थी हमारी, जब शादी हुई है तो हम अपनी वाइफ को कहते थे, इनके पांव छुओ, ये तुम्हारी चाची हैं। और ये भी वाल लखनऊ के किससे कहानियां भी हो गई, चाची हैं ये तुम्हारी। तो हमारी वाइफ उनके पांव छूती थी। 4-5 दिन के बाद में हमारी वाइफ ने पूछा कि ये बताइए ये कौन है? तो कहा, हमारी ये चौक की चाची हैं, जिनका हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग इनकी सेवा करें, और जब तक वो जिंदा रहीं चौक वाले सब उनकी सेवा करें। तो दद्दू आपका नाम क्या है? एक बात और आपको बताऊं कि तारा नाम की एक तवायफ जो थी फूल वाली गली में, सामने रहती थी जी, उसके मकान में हम रहे जी, 5 साल हम रहे उसमें, और फूल वाली गली के फूलों का जायका। वाह, क्या कहने।
बनाते हो? अरे वाह, यानी कि ये वो इंसान है जो हम लोग को बना बनाया मक्खन खिलाते हैं। कितना टाइम लगता है भाई बनाने में? बनाने में भाई जो है हम ही मक्खन बनाते हैं। अच्छा, आप भी बनाते हैं? क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा मुदित। MUDIT मुदित। नहीं यार, मुदित। अच्छा मुदित, यार बड़े कठिन नाम है, वैसे मैं बोल लेता हूँ। मार्केट में मुदित में नहीं, मॉडल वाला नहीं ना, थोड़ा पुराना टाइप का। हाँ, नहीं नहीं अच्छा, मेरा भी अकबर नाम है नवाबों के, मतलब भाई, लेकिन मेरा सिंपल है। एनीवेज, तो आपको कितना टाइम लग जाता है फुली बनाने? भाई 20 लीटर दूध और 6 किलो क्रीम में समथिंग 2.5 से 3 घंटा लग जाता है मक्खन बनाने में, जिसमें पूरा एक तसला कम्प्लीट। तो 20 लीटर दूध और क्या? 6 किलो क्रीम। 6 किलो क्रीम में कितना आप? ये एक तसला जितना आप, कैमरा उधर करना भाई, जरा कैमरा भाई दिखाना। ये इसको बनने में 3 घंटे लगते हैं, जिसमें ये है आपका 20 लीटर दूध और 6 किलो क्रीम, इतना लगता है? हाँ, 20 लीटर दूध, 6 किलो क्रीम, बाकी नीचे। और इसको बेचने में कितना वक्त लगता है? बेचने का तो कोई टाइम नहीं है भाई, कभी तुरंत भी बिक सकता है और रात तक खड़े रहो तब भी। ये तो मेरी जो ऑडियंस है जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग चौक आ रहे हैं गाइस तो मक्खन जरूर खाइए। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट है, अल्टीमेट है ना। और मैंने भी खाया, बहुत बेहतरीन है, आज हम भी खा के आपको बताएंगे। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब और आइए चौक, तो मक्खन जरूर खाइए। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके अकबर भाई, थैंक यू। फाइनली अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं, हम खाने जा रहे हैं प्यारा सा मक्खन, और हमारे साथ हमारे फैसल भाई जिन्होंने बहुत अच्छा वीडियो शूट करा, तो आइए खाते हैं और देखते हैं कि कैसे है फैसल। हाँ मतलब ये जो है ना, पता नहीं कहाँ तक ठंडक पहुंचा रहा है, मैं बता नहीं सकता। बहुत प्यारा है गाइस, अगर आप चौक आ रहे तो मक्खन जरूर खाइए, नेत ना लगाइए। तो बहुत प्यारा मक्खन है, अगर चौक आपने नहीं खाया है, इसका टेस्ट आपको खा के ही पता चलेगा। हाँ, बिना खा के नहीं पता चलेगा। वो कहते हैं ना कि शादी का लट्टू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, वही हिसाब है। खाएंगे तो पछताएंगे कि यार मुझे फिर खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे, यार लखनऊ का फेमस मक्खन मुझे छूट गया। तो आइए और खाइए मक्खन, और इस ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भाई के चैनल को। थैंक यू सो मच।